गाइस, स्वागत है आपका रेज गेमिंग एंड टेक चैनल पर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टीवीज का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, जो कि है एलजी का ओलेड C2। और आज हम रिव्यू करने वाले उसकी 55 इंच वेरिएंट का। सो किस बात की देरी, चलिए लेट्स गो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं गेमर हूँ और मेरे टीवी खरीदने का मेन डिसीजन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट था। पहला फैक्टर था कि उसमें HDMI 2.1 होना चाहिए ताकि लेटेस्ट कंसोल्स और ग्राफिक कार्ड्स का फुल एडवांटेज ले सके टीवी। सेकंड फैक्टर था कि OLED के साथ जाना, क्योंकि OLED एक बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी है। और तीसरा फैक्टर था गेमिंग फीचर्स। तो LG अपने OLED TVs में काफी सालों से ये 3 फैक्टर्स मेंटेन करते हुए आया है, और LG के OLED सीरीज का लेटेस्ट मॉडल जो कि है C2। तो आज मैं आपको सारे फीचर्स और सब कुछ दिखाऊंगा इस टीवी में, और सारे प्रोज एंड कॉन्स दिखाऊंगा मैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये टीवी कैसा रहेगा एक गेमर प्लस कंटेंट कंजम्पशन वाले यूसेज के लिए। तो ये टीवी मुझे इजीली अवेलेबल मिल गया बैंगलोर में। मैंने ये टीवी लिया है पाई इंटरनेशनल शॉप से, जो कि बैंगलोर में काफी फेमस है, और उनकी सर्विस काफी अच्छी थी। टीवी लेने के बाद अगले ही दिन उन्होंने डिलीवरी कर दी, और उसी दिन LG के सर्विसमैन ने आके फिटिंग कर दिया और इंस्टॉल कर दिया। तो इंस्टॉलेशन के लिए एक अंकल आए हुए थे जिन्होंने सारा कुछ कर दिया बहुत ही अच्छी तरीके से, और काफी बारीकी से उन्होंने हमारे टीवी को एकदम सेंटर अलाइन किया ताकि व्यूइंग एंगल एकदम परफेक्ट रह सके। सबसे अच्छी बात ये थी कि इतना महंगा टीवी जब लेते हैं वॉल माउंट साथ में देते हैं, तो LG की तरफ से मुझे वॉल माउंट बिल्कुल फ्री मिला। लेकिन आपके पास चॉइस होती है, क्योंकि मुझे पहले ही पूछ लिया गया था कि आपको स्टैंड चाहिए या वॉल माउंट। तो दोनों में से सिर्फ एक ही आपको फ्री मिलेगा। वॉल माउंट होने के बाद LG के सर्विसमैन ने मुझे अच्छे से डेमो दिया, मुझे सब कुछ दिखाया, प्लस उन्होंने मेरी एक वीडियो भी ली जहां पर मैं फ्रंट कवर अनरैप कर रहा हूं। OLED एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है जहां पर टीवी में हर एक पिक्सल इंडिविजुअली लिट अप होते हैं, जिसके कारण जब भी आपके सामने कोई स्क्रीन पर डार्क सीन होता है या फिर बिल्कुल ब्लैक होता है, वो पिक्सल बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसके कारण हमें प्योर ब्लैक मिलता है, जो कि किसी भी LED QLED टीवी में नहीं मिलता। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है OLED TVs खरीदने के लिए। बाकी सारे LCD, LED और QLED TVs में ये फैक्टर नहीं होता है। आजकल कुछ TVs में हम लोग के पास बहुत सारे डिमिंग जोन्स मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ डिम होते हैं, ये बंद होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है OLED TVs का। C2 में एक नया पैनल भी है जिसको कहते हैं EVO पैनल, जो कि ब्राइटर है, और इसमें कहा गया है कि इसमें OLED बर्न इन का कोई इशू नहीं आने वाला है अगर आप सही से यूज करें तो। तो बर्न इन के ऊपर आगे बात करेंगे। इस टीवी में मिल जाता है आपको HDR, HDR 10, Dolby Vision, 120 Hz, HDMI 2.1, जो कि चारों पोर्ट्स में है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और इस टीवी में हम लोग को काफ़ी सही गेमिंग फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो कि है VRR, NVIDIA G-Sync, AMD का फ्री सिंक, और एक डेडिकेटेड मेनू गेम ऑप्टिमाइजर, जो हमारे गेमिंग के समय काम आता है हम लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए, जहां हम लोग पूरी तरह से सब कुछ देख सकते हैं कि हमारा गेम किस लेवल में चल रहा है और क्या क्या सेटिंग्स ऑन है और कौन से नहीं है। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा आगे चल के, तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग इस टीवी के डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये टीवी इतना पतला है कि ये मेरे मोबाइल से भी ज़्यादा पतला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी मोबाइल की विथ इस टीवी के स्क्रीन के विथ से ज़्यादा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी टेक्नोलॉजी कभी फ्यूचर में आ सकती है जहाँ पर हम लोग की मोबाइल से ही पतली हो जाए टीवी। पोर्ट्स की बात करें तो पीछे हम लोग को एक डेडिकेटेड जगह दी गई है जहाँ पर सारे पोर्ट्स एक ही जगह पे दी गए हैं। ऊपर से देखें तो हमारे पास 3 USB पोर्ट्स है, और जस्ट उसके नीचे हमारे पास चार HDMI 2.1 पोर्ट्स है, जो कि बहुत सही बात है। और ये एक बहुत मेन फैक्टर था मेरे खरीदने में LG C2 को,
क्योंकि मेरे पास एक पीसी भी है जिसमें RTX 3080 लगा हुआ है और मेरे पास एक PS5 भी है। सो ये दोनों ही मशीनें HDMI 2.1 कैपेबल है। सो इन दोनों ही मशीनों के आउटपुट मेरे टीवी में डायरेक्टली लग जाते हैं और मैं इजीली दोनों में स्विच कर सकता हूँ। चारों HDMI पोर्ट में एक HDMI ERC और ARC सपोर्ट करता है। सो आपके पास अगर साउंड बार है तो आप इजीली लगा सकते हैं वहाँ पर। इसमें फिर ऑप्टिकल आउटपुट भी है तो वो भी आपके साउंड बार के साथ काम कर जाएगा। सबसे मेन बात, इस टीवी में ऑक्स आउटपुट नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से एक स्पीकर था जिसमें सिर्फ ऑक्स आउट ही काम करता है। तो इसके लिए मुझे एक अलग से एक मशीन लेनी पड़ी जो कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। ये डिब्बा एक्चुअली HDMI ARC पोर्ट से आउटपुट लेता है, कन्वर्ट करके मेरे को ऑक्स आउटपुट देता है जो कि मेरे स्पीकर में लग रहा है। सो ये बहुत सही से काम कर रहा है। बेजल्स की बात करें तो इसमें बेजल ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। सो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन एकदम एंड तक जाती है कॉर्नर्स में। डिज़ाइन की ओवरऑल बात करें तो काफ़ी सुप्रीम लुक है और देख के ही मतलब आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इतना स्लिम और स्लीक टीवी, कमाल का डिज़ाइन है। मूविंग ऑन टू पिक्चर क्वालिटी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि OLED आज के ज़माने में सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करता है आपको। इस टीवी में आपको डीपेस्ट ब्लैक्स और वाइटेस्ट वाइट्स मिल जाएंगे जो कि इतना भयंकर कॉन्ट्रास्ट रेशियो है कि प्रोफेशनल कैलिब्रेटर्स और रिव्यूअर्स भी इस टीवी के कॉन्ट्रास्ट रेशियो को मेजर करने की जगह इन्फिनिटी बोल देते हैं। पीक ब्राइटनेस की बात करें तो OLED का ब्राइटनेस हमेशा से बाकी LED और QLED से कम रहा है, लेकिन LG ने अपने सारे 2022 के मॉडल्स में जो कि आते हैं EVO पैनल्स के साथ, उसमें पीक ब्राइटनेस को काफ़ी इम्प्रूव किया है और अब हमारा पीक ब्राइटनेस ऑलमोस्ट 700 nits तक जाता है जो कि HDR और Dolby Vision कंटेंट के लिए एकदम परफेक्ट रेंज है। और HDR कंटेंट में पीक ब्राइटनेस ऑलमोस्ट 400 nits पार कर जाता है। कंपैरिजन की बात करूँ तो आपको Amazon में LED TVs दिख जाते होंगे Redmi के और बाकी Toshiba के, उन सब के पीक ब्राइटनेस ऑलमोस्ट 400 nits 300 nits के अराउंड रहते हैं। सो ये टीवी उस मुकाबले में काफ़ी आगे है। लेकिन जब हम लोग इस टीवी को QLED TVs के साथ कंपेयर करते हैं, सो QLED एक अलग टेक्नोलॉजी है जो LED TVs के ऊपर एक लेयर लगाती है जिसके कारण उनकी ब्राइटनेस और बढ़ जाती है। सो वो TVs ऑलमोस्ट अराउंड 800-900 nits तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका डिसएडवांटेज है कि उनके पास प्योर ब्लैक्स नहीं मिल पाते। तो LG C2 एक परफेक्ट मिडल ग्राउंड में है जो कि ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है लेकिन एकदम प्योर ब्लैक हम लोग को दे सकता है जो कि कंटेंट कंजप्शन और गेमिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। HDR और Dolby Vision की बात करें तो इस टीवी में पीक लेवल का आपको परफॉर्मेंस मिलता है HDR का और Dolby Vision का। इस टीवी में आपके पास Dolby Vision प्लस Atmos भी मिल जाता है, तो अगर आपके पास Dolby Atmos वाले साउंड बार्स है तो ये परफेक्टली बैठ जाएंगे आपके साउंड बार के साथ। मैं आपके सामने अभी यहाँ पर YouTube में कुछ HDR कंटेंट चला रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितना हाई लेवल का परफॉर्मेंस है इस टीवी का और ऑलमोस्ट रियल टू लाइफ दिखता है। तो OLED टेक्नोलॉजी का यही खास बात है कि आपके पास कलर्स और ब्लैक्स एकदम ट्रू टू लाइफ दिखते हैं। यही मैं आपको नेटफ्लिक्स में Dolby Vision का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि कितने ट्रू टू लाइफ ब्लैक्स और कलर्स दिख रहे हैं। तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। सो अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो कि है गेमिंग। सो गेमिंग में मैं आपको दिखाता हूँ कि PS5 जब इसके HDMI 2.1 पोर्ट के साथ लगता है तो आपके पास ऑलमोस्ट हर PS5 का डिस्प्ले ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, चाहे वो 120 हर्ट्ज़ हो, VRR हो। सो आप देख सकते हैं कि सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। मैं इस टीवी में आपको अब स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स का एग्जाम्पल देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर दिख रहा है ये स्क्रीन, आपको ट्रू टू लाइफ ब्लैक्स दिखते हैं। और कॉन्ट्रास्ट रेशियो इतना ज़्यादा है कि आप अगर एक LED या QLED से आ रहे हैं इस टीवी पर तो आप पागल हो जाएंगे। सीरियसली मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप पागल हो जाएंगे, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस है। गेम के विजुअल सेटिंग्स में भी आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स मोड और 120 हर्ट्ज हम लोग के पास अवेलेबल है, तो हम लोग चाहे तो 120 हर्ट्ज को एनेबल करके आराम से 120 हर्ट्ज में गेम कर सकते हैं PS5 में, जो कि काफ़ी बेहतरीन फीचर है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स का बटन दबाते ही हमारे पास गेम ऑप्टिमाइजर अवेलेबल है, जहाँ हम लोग को सारा आइडिया लग जाता है कि गेम कैसा चल रहा है, क्या क्या ऑन है, VRR ऑन है कि नहीं, FPS कितना है। डेडिकेटेड फीचर दिया गया है LG की तरफ से गेमर्स के लिए, जो कि काफ़ी सही बात है। हम लोग गेम
ऑप्टिमाइजर के अंदर जाके काफी सारे सेटिंग्स देख भी सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास एक प्रिवेंट इनपुट डिले का भी ऑप्शन है। सो बेसिकली टीवीज में क्या होता है कि बहुत इनपुट डिले होता है, जब तक आप एक बटन क्लिक करते हैं तो काफी देर से इनपुट आता है। तो इस टीवी में हम लोग के पास वो ऑप्शन भी दिया गया है कि इनपुट डिले बिल्कुल ही ना हो। और ये टीवी LG C2 वन ऑफ द फास्टेस्ट है वर्ल्ड का इनपुट डिले में। स्पाइडरमैन के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ गोस्ट ऑफ सुशीमा में। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पिक्चर सेटिंग्स बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग अभी यूट्यूब से देख रहे हैं मेरे कैमरा के थ्रू, तो आप लोग को उतना हाई लेवल का दिखेगा नहीं, लेकिन मैं जो देख सकता हूँ यहाँ से, मैं आपको कह रहा हूँ ये अल्टीमेट लेवल का है। इसमें आप बिलीव नहीं कर सकते कि कितने हाई लेवल का कॉन्ट्रास्ट रेशियो का डिफरेंस है। आपके जो हाईलाइट्स और आपके जो शेडोज, बिल्कुल इतना रेंज ज़्यादा है उसमें कि ब्लैकेस्ट ब्लैक और वाइटेस्ट वाइट का डिफरेंस बिल्कुल समझ में आता है एक्चुअली। PS5 के बाद PC की बात करें, सो मेरे पास RTX 3080 है जिसमें HDMI 2.1 अवेलेबल है। तो जब मैं एक HDMI 2.1 केबल से मैं इस टीवी में कनेक्ट करता हूँ अपने PC को, तो मुझे इस टीवी में मेरे PC की हाईएस्ट लेवल RGB सेटिंग्स मिलती है, जो कि है 444 क्रोमा 10 बिट और वो भी 120 हर्ट्ज में, जो कि अनबिलीवेबल है। मैंने काफ़ी सारे मॉनिटर्स यूज़ किए हैं मेरे PC के साथ, लेकिन ये लेवल ऑफ क्लैरिटी और डिस्प्ले सेटिंग मुझे किसी भी मॉनिटर में नहीं मिला है आज तक। सो ये बहुत ही अल्टीमेट बात है और मुझे लगता है कि मैं अब PC के गेम्स भी इसी में खेलने वाला हूँ। तो LG के OLED TV के साथ हम लोग को हमेशा से एक मैजिक रिमोट मिलता है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिमोट है। इस टीवी में आप लोग देख सकते हैं कि हम टीवी के रिमोट को एज अ माउस यूज कर सकते हैं दूर से। तो इसमें सेंसर लगा हुआ है जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं माउस के सेंसर को दूर से बैठ के, और इसके कारण बहुत ही ईजी हो जाता है टीवी को कंट्रोल करने के लिए। तो आप इस रिमोट की फीचर्स देख सकते हैं कि मैं इसको आराम से स्क्रॉल भी कर सकता हूँ, जहाँ मैं मूवमेंट कर रहा हूँ वहाँ पर मूव हो जाता है स्क्रीन। तो काफ़ी सही रिमोट है मैजिक रिमोट। इस टीवी में हम लोग को एंड्रॉयड तो नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग को वेब OS मिलता है, जो कि काफ़ी सही है। और इसमें हम लोग को ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐप्स और मेन ऐप्स तो मिल ही जाते हैं। तो कभी कभी मैं एंड्रॉयड टीवी को मिस कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है अभी के लिए। और मैं अब आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स से लेके चलता हूँ, तो आप लोग को आइडिया लग जाएगी क्या क्या है हम लोग के पास सेटिंग्स में। सेटिंग्स का बटन दबाते ही हम लोग के पास एक लिस्ट आ जाती है, जहाँ पर हम लोग ईजीली मैजिक रिमोट का यूज़ करके कोई भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जब हम लोग ऑल सेटिंग्स दबाते हैं तो हमारे पास एक फुल डिस्क्रिप्शन आ जाता है सारे सेटिंग्स का, जहाँ से हम लोग सारे सेटिंग्स देख सकते हैं। तो पिक्चर सेटिंग्स में हम लोग के पास सेलेक्ट मोड है, जो कि सारे टीवीज में रहता है, जहाँ पर हम लोग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे मोड्स है। इस टीवी में हम लोग को दो तीन स्पेशल मोड्स भी दिए गए, जैसे कि गेम ऑप्टिमाइजर, फिल्म मेकर मोड और एक्सपर्ट ब्राइट स्पेस और एक्सपर्ट डार्क स्पेस। पिक्चर सेटिंग्स में एडवांस सेटिंग्स में जाके हम लोग काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ हम लोग OLED पिक्सल की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, पीक ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। कलर सेटिंग्स में हम लोग कलर के चेंजेस कर सकते हैं। क्लैरिटी में हम लोग को बहुत सारे यूजफुल फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि सुपर रेजोल्यूशन, नॉइज रिडक्शन। और इस टीवी में काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसके कारण ये सब फीचर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। सो कुछ सेटिंग्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सुपर रेजोल्यूशन एक बहुत बेहतरीन सेटिंग है, जो कि आपके लो रेजोल्यूशन वाले वीडियोस को, जैसे कि आप YouTube में अगर 720p या 480p के वीडियोस देख रहे हो, सो उसको अपग्रेड करके 4K तक लाने की कोशिश करता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन सेटिंग्स है। वहीं यहाँ पर स्मूथ ग्रेडेशन जो फीचर है, यहाँ पर बैंडिंग हटा देते हैं स्क्रीन से। और हम लोग के पास यहाँ पर ट्रू मोशन सेटिंग भी दी गई है, जो कि आपके वीडियो को बिल्कुल स्मूथ कर देगा। अगर आप जैसे मान लो 30 FPS का कोई वीडियो देख रहे हो, सो ट्रू मोशन के थ्रू हम लोग उसको स्मूथ आउट कर सकते हैं और 60 FPS के लेवल पर ला सकते हैं। सो काफ़ी बेहतरीन सेटिंग है। साउंड सेटिंग्स की बात कर रहे थे, हम लोग को डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट मिल जाता है, प्लस यहाँ पर हमारे पास ब्लूटूथ ऑडियो भी है, प्लस ऑप्टिकल आउट ऑडियो भी है। तो आप लोग इनमें से कोई सा भी फीचर यूज़ कर सकते हैं। फिर जनरल सेटिंग्स में आप लोग देख सकते हैं कि एक ऑलवेज रेडी फीचर है, जो कि आपको ये टीवी को जब भी आप बंद करें तो एक स्टैंड बाई मोड में लेके आ जाएगा, ताकि आप क्विकली ऑन कर सके। मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि ये पावर कंज्यूम करता है। और यहाँ पर हम लोग के पास कुछ AI सर्विस दी गई है, जैसे AI पिक्चर और AI ब्राइटनेस, जो कि ऑटोमेटिकली आप लोग के ब्राइटनेस को, आप लोग के पिक्चर सेटिंग्स को चेंज करता रहेगा। सो मैंने इसको ऑफ रखा, क्योंकि मैंने खुद कैलिब्रेट किया हुआ है इस टीवी को। यहाँ पर हमारे पास गेम ऑप्टिमाइजर का सेटिंग फिर दिख जाता है यहाँ पर,
अगर आप गेम चला रहे हैं तो आप यहाँ से भी गेम ऑप्टिमाइजर को एक्सेस कर सकते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है हमारे पास यहाँ पर जो कि है ओलेड केयर। तो अब बात करते हैं बर्न इन की। अगर इजी लैंग्वेज में बर्न इन को समझाना है तो अगर आप ओलेड टीवी में एक चैनल को लगातार, जैसे मान लेते हैं आप अगर आज तक चैनल को लगातार देखते हैं पूरा दिन और बहुत दिनों तक, तो क्या होगा कि इतने टाइम से आज तक चलने के कारण आज तक का जो लोगो है साइड में वो टीवी में छप जाएगा। इसके कारण अगर आप अगली बार जब टीवी का चैनल चेंज करेंगे तो आज तक का लोगो वहाँ छपा हुआ रह जाएगा। लेकिन एलजी ने अपने पैनल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है और ये नाक के बराबर हो चुका है अब ये प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी हम लोग को एलजी की तरफ से एक ओलेड केयर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे हम लोग को तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं ओलेड बर्न इन बचाने के लिए, जो कि है पिक्सल क्लीनिंग, स्क्रीन मूव और लोगो ब्राइटनेस चेंज। सो स्क्रीन मूव जो सेटिंग है वो एक्चुअली क्या करता है कि हमारे स्क्रीन को कुछ कुछ मिनट्स में हिलाते रहता है। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई लोगो अगर एक जगह पे अटका भी हुआ है तो स्क्रीन थोड़ा सा मूव हो जाएगा तो वो एक्चुअली उस जगह पे रहेगा नहीं। तो ये काफ़ी बेहतरीन फीचर है और इसको मैं हमेशा ऑन रखता हूँ। लोगो ब्राइटनेस एडजस्ट, लोगो ब्राइटनेस एक AI सेटिंग है जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि एक स्क्रीन जो आपका वीडियो चल रहा है उसमें लोगो कहाँ पर है, और वो लोगो को डिटेक्ट करते ही उसका उस लोगो का सिर्फ ब्राइटनेस कम कर देगा ताकि वो एकदम हाई ब्राइटनेस में ना रहे और छप ना सके। सो ये काफ़ी बेहतरीन सेटिंग्स है। प्लस हम लोग के पास एक और एक ऑप्शन है पिक्सल क्लीनिंग, जो कि हम लोग को बताया गया है कि साल में सिर्फ एक बार यूज़ करने के लिए ये सेटिंग, ये सेटिंग तब चलाना चाहिए जब आपको लगता है कि आपके स्क्रीन में कुछ छप रहा है और लग रहा है कि छपने की आशंका है, तो आप ये पिक्सल क्लीनिंग चला के, ये 10 मिनट लगाता है पूरे स्क्रीन को क्लीन करने के लिए इंटरनली। तो ये 10 मिनट लगा के पूरा स्क्रीन को पिक्सल्स को क्लीन करेगा और वो जो भी छपे हुए जो भी आकार है उनको हटा देगा पूरी तरह से। तो ये काफ़ी बेहतरीन सेटिंग है और ये मुझे लगता नहीं कभी यूज़ होना चाहिए। आप अगर स्क्रीन को नॉर्मली यूज़ करते हैं, कोई एक चैनल को लगातार छोड़ नहीं देते हैं चला के, तो आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं होगी ये यूज़ करने की। तो स्क्रीन मूव और लोगो ब्राइटनेस सेटिंग्स को ऑन रखिए, उसी में आपका काम बन जाना चाहिए। बाकी कुछ और सेटिंग्स भी है जिसके अंदर मैं जाऊंगा नहीं, ये सब सारे नॉर्मल टीवीज़ में भी अवेलेबल होते हैं। और लास्टली सपोर्ट वाले में हम लोग को सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है और LG बहुत ही फेमस है अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स रेगुलरली देने के लिए। सो जितने दिन मुझे इस टीवी को लिए हुए हैं मुझे ऑलरेडी एक अपडेट मिल चुका है। तो LG अपने कस्टमर्स का बहुत ध्यान रखती है और रेगुलर अपडेट्स देती रहती है। सो आप लोग भी चेक करते रहिएगा कि आपका अपडेट मिल रहा है कि नहीं आपको। मैजिक रिमोट की बात करें तो काफ़ी नॉर्मल सा डिज़ाइन है, काफ़ी मोटा सा एक रिमोट दिया गया है, लेकिन इसके फीचर्स कमाल के हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर बटन्स दिए गए हैं, कुछ कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं और वॉल्यूम बटन्स दिए गए हैं। बीच में हमारे पास एक नेविगेशन सर्कल दिया गया है जिसके सेंटर में एक स्क्रॉलर लगा हुआ है जिसको हम लोग स्क्रॉल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन सेटिंग है और जब भी हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो हमारा पॉइंटर बाहर आ जाता है। तो क्विक, अगर हम लोग को जल्दी से अगर अपने पॉइंटर को बाहर लाना है तो एकदम स्क्रॉल करिए, आपका पॉइंटर बाहर आ जाएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन सेटिंग है और बहुत ही ईजी हो जाता है आपको टीवी को यूज़ करना। तो ये एक बहुत ही हाई फीचर है और मुझे लगता है कि सारे टीवी मैन्युफैक्चरर्स को ये ऐसा रिमोट बनाना चाहिए आजकल। इस टीवी में हम लोग को और एक ऑप्शन मिल जाता है, जो आपको नंबर वाले बटन्स दिख रहे हैं उसको हम लोग एज शॉर्टकट्स लगा सकते हैं। तो कोई भी अगर इनपुट या फिर कोई ऐप में अगर डायरेक्टली आपको कूदना है तो अगर आप वो नंबर वाले बटन को दबा देते हो तो वो डायरेक्टली कूद जाएगा उस ऐप में या फिर उस इनपुट में। तो ये काफ़ी बढ़िया सेटिंग है। एक होम बटन भी दिया गया है जिससे हम लोग डायरेक्टली वेब OS के होम पेज में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर हम लोग को सारे ऐप्स और सारे ट्रेंडिंग वीडियोज़ और फिल्म सारे आप लोग को सामने मिल जाएंगे। हम लोग को इस टीवी में एयरप्ले भी मिल जाता है जो कि एप्पल का स्क्रीन शेयरिंग फीचर है। सो अगर आप एंड्रॉयड हो तो वो आप इजीली क्रोमकास्ट के साथ स्क्रीन शेयर कर ही सकते हैं। प्लस आपको एलेक्सा भी मिल जाती है। सो तीनों अमेज़ॉन, एंड्रॉयड और एप्पल तीनों का यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। तो काफ़ी बढ़िया फीचर है, कोई सा भी आपके पास डिवाइस हो आप इजीली इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन की रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा कॉन मिला है, जो कि इसमें अगर आपके टीवी के जस्ट सामने कोई एक लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, अगर वो आपके टीवी के डायरेक्टली सामने है तो आपके टीवी में रिफ्लेक्ट होगा और आपको देखने में परेशानी हो सकती है। सो ये एक बड़ा कॉन है। सो मेरे टीवी के जस्ट सामने एक RGB ट्यूबलाइट लगी हुई है जो कि अभी रेड है। तो इस ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन आपको टीवी में दिख रहा होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि OLED TVs को बेस्ट व्यू करने का तरीका है बिल्कुल डार्क रूम, ताकि आप बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस ले सके थिएटर की तरह।
तो आई होप आपको ये रिव्यू वीडियो और अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया हो। काफ़ी फीचर्स अभी भी डिस्कस करने बाकी है, सो अगर आपको इसका एक गेमिंग स्पेसिफिक रिव्यू वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन बार दबा के रखिए ताकि आपको इस टीवी के सारे फीचर्स मैं आपको बता सकूँ नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके ताकि मैं आपके सामने और भी नए नए वीडियोस ला सकूँ, टीवी रिव्यूज़ के, मोबाइल रिव्यूज़ के और जितने भी टेक रिलेटेड और गेमिंग रिलेटेड वीडियोज़ हैं और गेमिंग न्यूज़ मैं आपके सामने ला सकूँ। ये बिल्कुल एक फ्रेश चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबा के रखिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स गो।